कमिंस इनफैक्ट मैंने अपने लिस्ट में शामिल किया और वीरेंद्र ने भी बीएचएल को जगह दी अपने लिस्ट में। तो बाइंग जो अक्रॉस द बोर्ड कैपिटल गुड स्पेस में दिख रही है कितनी सस्टेनेबल लग रही है, और जो सब स्टॉक्स चलते हैं तो ट्रेडर्स को एक कंफ्यूजन जरूर होता है कि अगर बेट किस शेयर पर करना चाहिए। एलएनटी का आपने जिक्र किया, एलएनटी पर आपके टारगेट्स क्या है और इसी स्पेस से कोई और स्टॉक जिसको आप चुनना चाहेंगे? दीपाली, एलएनटी में देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन से ब्रेकआउट देखने को मिला है। नीचे में 1184 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1311 के लक्ष्य के लिए एलएनटी को बाय करना चाहिए। आपने राइटली मेंशन करा, क्यूमिंस इंडिया में भी ब्रेकआउट देखने को मिला है, बीएचएल में ब्रेकआउट पहले से हो चुका है। एज ऑफ नाउ अगर किसी को नई पोजीशन लेनी हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि एलएनटी को बाय करना चाहिए। एज अ डिस्क्लोजर, एलएनटी को हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करा हुआ है बाइंग करने के लिए।